ही नहीं करके। तो भाई साहब ने उनके बैग बैग चेक किया तो ये ब्लैंकेट और ये बेडशीट निकला। दोस्तों मैं हूं देविंदर, आप देख रहे थे इंडियन रेल ग्रो। दोस्तों आप सबका स्वागत है करनी जर्नी में। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मडगांव रेलवे स्टेशन तक। ट्रेन नंबर है 10103 मांडवी एक्सप्रेस, जो कि एक डेली ट्रेन है। दोस्तों ट्रेन की टाइमिंग है यहाँ से खुलने की मॉर्निंग में 7:10 बजे पहुँचाती है मडगांव रेलवे स्टेशन, रात को 9:45 पे। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 582 किलोमीटर, इसमें कवर करने में टाइम लेती है 14 आवर 35 मिनट। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मडगांव रेलवे स्टेशन के बीच में 18 होल्ट होंगे। तो दोस्तों जर्नी में मेरे साथ बने रही है, चलते हैं कोच के अंदर। आज हमारी सीट बुक है B1 कोच में, सीट नंबर है 4 लोअर बर्थ। चलते हैं दोस्तों कोच के अंदर, आपको कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ। दोस्तों ये सामने एंटर करते हैं दोस्तों वॉश बेसिन है, मिरर बिल्कुल क्लीन है। दोस्तों वॉश बेसिन बिल्कुल क्लीन है, ये फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, ऊपर डस्टबिन है, काफ़ी क्लीनेस्ट वॉश बेसिन है इसका। दोस्तों कोच के अंदर चलते हैं। दोस्तों दोस्तों एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी क्लीनेस्ट है, आप देख लो ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई गंदगी नहीं है। अभी देखते हैं कितने टाइम तक साफ रहती है। पेट्रोल वगैरह भी स्टार्ट है इस ट्रेन में। दोस्तों 2 मिनट की देरी से डिपार्ट हो रही है ट्रेन। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से दोस्तों से डिपार्ट हुई है। पांच के स्टेशन के पहले होल्ड दादर, इसका कोड है DR। यहाँ पे ट्रेन 7 मिनट की देरी से आई है दोस्तों, 3 मिनट का स्टॉपेज है। कार्ड से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था वे सैंडविच, तो टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा टेस्ट है इसका। दोस्तों ये भैया वेज सैंडविच मंगाया था मैं, देखते हैं टेस्ट करके कैसा टेस्ट है ये। मुझे 35 रुपीज़ के 2 पीस पड़े। दोस्तों टेस्ट अच्छा है, फ्रेश अभी बना हुआ पेंट्री का। तो आप बिल्कुल भी कभी भी इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है। पाँच के स्टेन के सेकंड हॉल थाने, इसका कोड है TNE, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 10 है। यहाँ पे दोस्तों 6 मिनट डिले आई है ट्रेन, 5 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों ट्रेन डिपार्ट हो रही है। दोस्तों इतना क्राउड है इस स्टेशन में, देखिए अब कितनी भीड़ है सुबह। दोस्तों ट्रेन लेट आई थी तो 2 मिनट रुकने के बाद स्टॉपेज के बाद ट्रेन डिपार्ट हो रही है। Gracias.
अराइवल पनवेल। आज के इस ट्रेन के थर्ड होल्ड पनवेल, यहाँ पे दोस्तों 7 मिनट डिले आई है दोस्तों। ट्रेन 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसका कोड है PNVL, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है दोस्तों। 194 ट्रेन आके होल्ड करती है दोस्तों डेली। 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती है यहाँ से दोस्तों, 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है दोस्तों यहाँ से। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है ट्रेन ने मुंबई से 68 किलोमीटर दोस्तों 25 मिनट की देरी से डिपार्ट हो रही है पनवेल जंक्शन से दोस्तों। ट्रेन के फोर्थ होल्ड मालेगांव, जिसका कोड है MNI, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है दोस्तों। 47 ट्रेन आ गए यहाँ पे तो होल्ड करती है। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट डिले आई है दोस्तों, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। इसका डिवीज़न है रत्नागिरी, जोन है इसका कोंकण रेलवे दोस्तों। इस ट्रेन में से काफ़ी डीबोट हुए हैं मालेगांव रेलवे स्टेशन में पैसेंजर। एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट में आपको 6 से 7 प्रकार के वैरायटी मिलेगी, काफ़ी अच्छा फूड वगैरह है इनका, काफ़ी फूड है इसमें वैरायटी में आपको ब्रेकफास्ट में, अभी डिनर लंच में देखेंगे क्या क्या आपको वैरायटी मिलती है दोस्तों। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है मुंबई से ट्रेन ने 173 किलोमीटर दोस्तों। कितना ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ का। दोस्तों ट्रेन डिले थी तो 1 मिनट रुकते ही डिपार्ट हो रही है। अब हम आज के इस ट्रेन के फिफ्थ होल्ड हेड, जिसका कोड है KHED दोस्तों, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेन 30 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। इस स्टेशन पे आपको खाने पीने की हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, स्टॉल वगैरह हर चीज़ की है। काफ़ी पैसेंजर डिबोट हुए हैं दोस्तों 34 मिनट डिले डिपार्ट हो रही है हेड से। ट्रेन के सिक्स्थ होल्ड चिपलून,
इसका कोड है CHI। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 26 मिनट डिले आई थी, 2 मिनट का स्टॉपेज था, ट्रेन डिपार्ट हो रही है। दोस्तों डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने, 279 किलोमीटर। दोस्तों स्टेशन पे भी काफ़ी डीबोट हुए हैं पैसेंजर, स्टेशन पे आपको खाने पीने की स्टॉल वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। बासमती चावल है और कढ़ाई पनीर है और 3-2 चपाती है इसके साथ। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 215 रुपीस। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। टेस्ट काफ़ी अच्छा दोस्तों, बिल्कुल आप रिकमेंड कर सकते हो। इस ट्रेन में खाने पीने की हर चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हर चीज़ की है। बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं, ये मुझे पड़ा 2 पीस 45 रुपीस के। आज के ट्रेन के 7th होल्ड संगमेश्वर रोड, जिसका कोड है SGR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। दोस्तों 44 मिनट डिले आई है ट्रेन, 2 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों इसका जोन है कोंकण, डिवीजन है इसका रत्नागिरी। दोस्तों 43 ट्रेन आके होल्ड करती है यहाँ पे, कोई भी ट्रेन ना ओरिजिनेट होती है दोस्तों यहाँ से, ना टर्मिनेट होती है। दोस्तों स्टेशन पर आपको खाने पीने की स्टॉल वगैरह मिल जाएगी, स्नैक्स वगैरह। जो इस रोड पे जो भी स्टेशन है वो बिल्कुल पहाड़ के पास ही है तकरीबन। आज के ट्रेन के 8th होल्ड रत्नागिरी, जिसका कोड है RN, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है। दोस्तों यहाँ पे
56 मिनट डिले आई है दोस्तों ट्रेन, 5 मिनट का स्टॉपेज है। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने मुंबई से 347 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ पे रोज़ाना 147 ट्रेन आके होल्ड करती है दोस्तों। 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 2 ट्रेन टर्मिनेट होती है दोस्तों। दोस्तों स्टेशन पे आपको खाने पीने की हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, फ्रूट वगैरह, स्नैक्स वगैरह, वड़ा पाव वगैरह, हर चीज़ की, हर चीज़ स्टेशन पे खाने पीने की अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों पूरे 1 घंटा 10 मिनट डिले हो चुकी है अभी ट्रेन यहाँ पे आने के बाद, ट्रेन खड़ी रही उसके बाद डिले हो गई दोस्तों। तो अभी पेंट्री गार्ड से दही बड़े मंगाए हैं, टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा टेस्ट है इसका। इस ट्रेन में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, एक से एक आपको वैरायटी मिलेगी। ये 200 में से 50 रुपीज़ का बड़ा, टेस्ट अच्छा है, आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। मांडवी एक्सप्रेस में आपको खाने पीने की एक से एक वैरायटी मिलेगी दोस्तों, ये सब पेंट्री में बनता है यहाँ पे। मैं फिनिश करता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे। पहुँच के ट्रेन के 10th होल्ट राजपुरा रोड, जिसका कोड है RAJP, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा 35 मिनट देरी से पहुंची है दोस्तों, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। इसका जोन है कोंकण, इसका डिवीज़न है रत्नागिरी दोस्तों। ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों ये स्टेशन, और 42 ट्रेन आके होल्ड करती है दोस्तों डेली यहाँ पे। तो स्टेशन का व्यू राजपुरा रोड का बिल्कुल पहाड़ के करीब है, बिल्कुल पहाड़ के करीब स्टेशन बना हुआ है देखिए दोस्तों। जो कोंकण रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं वो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। दोस्तों राजपुरा रोड से 1 घंटा 40 मिनट की देरी से डिपार्ट हो रही है ट्रेन दोस्तों। दोस्तों इस स्टेशन पे खाने पीने के आपको स्नैक्स स्नैक्स की स्टॉल वगैरह होगी। हम आज के इस ट्रेन के 12th होल्ट कंगोली, जिसका कोड है KKW, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है दोस्तों। 48 ट्रेन आके यहाँ होल्ट करती है दोस्तों। ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुँची है, 2 मिनट का स्टॉपेज है कंगोली से डिपार्ट। सावंतवाड़ी दादर सितारी एक्सप्रेस आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा 40 मिनिटांनी
पहुंच के स्टेन के 16 होल्ड शांतावड़ी रोड, जिसका कोड है SWV, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। यहाँ पे ट्रेन दोस्तों 1 घंटा 26 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है, 30 ट्रेन आके होल्ड करती है दोस्तों, 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है दोस्तों। और ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है रेलवे स्टेशन, इसके बाद जो स्टेशन आएंगे हमारे गोवा के आएंगे। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने 507 किलोमीटर दोस्तों। AC 2 टायर के कोच अटेंडेंट है, अभी एक पैसेंजर से ये बैग में से बेडशीट और ब्लैंकेट लेके आ रहे हैं, पैसेंजर इन लेके चले गए थे, नहीं तो इनकी सैलरी से कटते पैसे। देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, इनकी सैलरी से कटता है, अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो यूज़ करो उसको, वापस दे के जाओ दोस्तों। मैंने कर रहा है दिया ही नहीं करके, तो भाई साहब ने उनके बैग से बैग चेक किया तो ये ब्लैंकेट और ये बेडशीट निकला। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनकी सैलरी से कटता है, तो आपको मिलता आप यूज़ करो वापस करो, आप किस लिए घर लेके जा रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसकी अगर ट्रेन चल देती, अगर वो निकल जाते स्टेशन से बाहर, तो कुछ भी नहीं होना था, ट्रेन छोड़ के तो ये भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने सुबह दिया था तो उनको याद था कि पैसेंजर शांतिवाड़ी उतरेगा, तो उन्होंने अभी उनका बैग चेक करवाया तो उसमें ब्लैंकेट भी निकला और बेडशीट भी निकली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। शांतिवाड़ी रोड पर आपको खाने पीने की स्टॉल वगैरह सब चीज़ मिलेगी दोस्तों इस ऑफिस पर। हम आज के स्टेन के 17 होल तिब्बम, जिसका कोड है THVM, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेन 1 घंटा 7 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों, 53 ट्रेन आके होल्ड करती है यहाँ पे, 1 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 1 ट्रेन टर्मिनेट होती है दोस्तों। ये स्टेशन गोवा में पड़ता है, इसका डिवीज़न है दोस्तों गोवा, जोन इसका नॉर्थ गोवा दोस्तों। 1 घंटा 10 मिनट की देरी से डिपार्ट हो रही है तिब्बम पे। स्टेशन पे दोस्तों आपको खाने पीने के स्टॉल वगैरह सब चीज़ फैसिलिटी मिलेगी आपको। उसके स्टेशन के 18 होल्ड कुरमाली, जिसका कोड है KRMI, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा 7 मिनट डिले आई है दोस्तों, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो हमारे फाइनल डेस्टिनेशन होगी मडगांव रेलवे स्टेशन दोस्तों। होन हो गया, चलते हैं ट्रेन के अंदर। स्टेशन पर खाने पीने की स्टॉल वगैरह आपको मिलेगी दोस्तों। अराइवल मडगांव रेलवे स्टेशन। तो हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मडगांव रेलवे स्टेशन। मैं जर्नी एक्सपीरियंस बताऊं तो काफ़ी अच्छी जर्नी एक्सपीरियंस रहा ट्रेन के साथ, वॉशरूम की कंडीशन हो या कोच की साफ़ सफाई हो, काफ़ी क्लीनेस्ट ट्रेन है दोस्तों। और इसका इसको किंग ऑफ फूड इसलिए कहते हैं दोस्तों, इसमें एक से एक वैरायटी आपको खाने पीने की मिलती है,
काफ़ी वैरायटी आपके ब्रेकफास्ट में भी रहती है, लंच में भी रहती है, तो काफ़ी अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं उसका फूड, और जो भी ये खाना देते हैं, जो इंडियन रेलवे के रिकमेंड होती है वो थाली भी होती है, और आप अलग से भी इसमें फूड मिलता है वो भी अच्छा, काफ़ी अच्छा फूड होता है, तो आप दोनों रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने जो लिया था आपको, तो आप वीडियो में देखिए, बिल्कुल बढ़िया खाना दिया है इन्होंने, फूड बहुत अच्छा है इस ट्रेन का, तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं।